हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के फंक्शंस के बारे में। हमारे पास पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं जिसे इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं, तो हम उन सारे फंक्शंस को वन बाय वन पढ़ेंगे ताकि हम आगे चल के पाइथन के लिस्ट की प्रोग्राम्स को क्या कर सके, बना सके। तो जो भी लिस्ट में हमारे पास फंक्शंस हैं, अब हम उस सेक्शंस को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन का लिस्ट हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। उनमें से मैंने कुछ सारे फंक्शंस को एक साथ कलेक्ट किया है जो कम से कम आपको पता होना चाहिए, और यूजुअली जो भी हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं लिस्ट पे चल के आगे, उन फंक्शंस की बहुत ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंस होगी। अगर आपको वो फंक्शंस नहीं पता होंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले हम लिस्ट के फंक्शंस को जानेंगे, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं लिस्ट के, और उनको जानने के बाद तब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, देखिए मैंने आपको एक टर्म यूज किया, दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन या दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। ये वो फंक्शंस होते हैं जिनका वर्क पहले से डिफाइन होता है और हमें बस अपने वे के में उस फंक्शन को क्या कर लेना होता है, यूज कर लेना होता है। मतलब वो फंक्शन कैसे अपने काम को परफॉर्म कर रहा है ये हमारा हेडेक नहीं होता है, हमें नहीं समझना होता है ये कैसे काम कर रहा है। बस हमें ये समझना होता है कि इस फंक्शन से हमें क्या फायदा होगा, ये हमें क्या रिटर्न देगा, और उस जो भी वैल्यू वो हमें रिटर्न देगा उस वैल्यू को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में। तो इस केस में, इस सीरीज में सबसे पहला फंक्शन लेन फंक्शन है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरी जो वीडियो सीरीज होगी अब हम आगे बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे, लिस्ट के फंक्शंस की बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और लगभग हर प्रोग्राम में आप यूज करेंगे, दैट इज लेन, और लेन ऑफ वॉट, लिस्ट। यानी कि अगर यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज यूज टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अगर आप लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप जिसका यूज करते हैं वो कहलाता है लेन फंक्शन। प्रोग्राम एक एग्जांपल प्रोग्राम बिल्कुल आप ऐसा रन कर सकते हैं, इस तीन लाइन को लिखिए और रन कीजिए, बिल्कुल रन होगा। क्या करते हैं आप, ए इक्वल टू राम 10, श्याम और 12.5। मतलब हमारा एक लिस्ट बनता है जिसमें ये चार एलिमेंट्स हैं और हम कहते हैं क्या कि लेंथ ऑफ ए को निकाल लो और कहां डाल दो, बी में। तो ऑब्वियसली बात है जब लेन ए करेंगे तो लेन ए रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ विच वन, ए, यानी ए क्या है मेरा एक लिस्ट है। तो लिस्ट का लेंथ कितना है, देखिए 1, 2, 3 और 4। तो लेंथ ऑफ ए जो देगा ये क्या देगा, 4 देगा, और ये 4 जो है वो किस में असाइन हो जाएगा, बी में असाइन हो जाएगा। और आप अगले लाइन में प्रिंट करते हैं डबल कोट्स के अंदर लेंथ ऑफ लिस्ट इक्वल टू, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और बी को प्रिंट करते हैं तो बी में क्या स्टोर है, 4 स्टोर है। तो आपको फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आएगा लेंथ ऑफ द लिस्ट इक्वल टू 4। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, हमारे जो भी लिस्ट है उसका जो भी लेंथ है वो लेंथ हमें प्रोवाइड करता है। इसी प्रोग्राम को अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एक लाइन ये जो है उसको आप हटा सकते हैं और इस लाइन को हटाने पर प्रोग्राम आपका ये बन जाएगा। बस दो लाइन के प्रोग्राम जो आपको एक लिस्ट के लेंथ को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, ए इक्वल टू राम 10, श्याम और 12.5 हमने दे दिया, और हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए लेंथ ऑफ द लिस्ट इक्वल टू, ये यहाँ से मतलब डबल कोट्स के अंदर है तो एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी चीजें डबल कोट्स के अंदर होती हैं उसे एज इट इज प्रिंट कर दिया जाता है, और लेंथ कॉमा देते हैं, लेंथ ऑफ ए को डायरेक्ट हम यहाँ दे देते हैं। तो लेंथ ऑफ ए जब कैलकुलेट होगा तो ये 4 आएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रिंट यहीं पे हो जाएगा। यहां पे हमने उसको कहीं दूसरी जगह स्टोर किया पहले बी में और तब बी को प्रिंट किया, हमने यहां बी को यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट लेंथ ऑफ ए को प्रिंट वाले स्टेटमेंट में ही डाल दिया, जिससे वहीं पे जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। तो दिस इज द लेंथ फंक्शन, लेन, LEN, जो किसी भी दिए गए लिस्ट का क्या निकालता है, लेंथ निकालता है। ओके, चलिए दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन जो है मैक्स फंक्शन, ये नाम से ही क्लियर है। मैक्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे बड़े एलिमेंट को बताना कि उस लेंथ, उस लिस्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो मैक्स इज यूज, इसमें लिखा हुआ मैंने डेफिनेशन में कि दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द मैक्स वैल्यू प्रेजेंट इन द लिस्ट, यानी आपके लिस्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे क्या करेगा, ये फाइंड आउट करके आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए आप एक लिस्ट बनाते हैं ए, 10, 20, 30, 40, 50, इसमें आपने ये एलिमेंट्स डाले और आप मैक्स ए करते हैं, तो मैक्स ए मतलब ये स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे मैक्स ए, ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली रिटर्न करेगा 50, यानी ये देखेगा कि एक नाम के लिस्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 50 है, वो असाइन कर देगा किसको, बी को, और आप अगले लाइन में क्या कर दे रहे हैं, मैक्स वैल्यू इन द लिस्ट इक्वल टू, और बी की वैल्यू प्रिंट कर दे रहे हैं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मैक्स वैल्यू इन द लिस्ट इक्वल टू व्हाट, 50, ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से आप जब करेंगे तो वही कंसेप्ट जो ठीक है हमने पिछले यूज किया, हमने यहाँ पे मैक्स ए को बी में स्टोर किया है ना, मैं इसको बी में स्टोर नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, लिस्ट बनाऊंगा और डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दूंगा कि मैक्स वैल्यू इन द लिस्ट इक्वल टू और मैक्स ए। तो मैक्स ए जब 50 देगा तो ये 50 डायरेक्टली यहीं पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हमने अपने कोडिंग का एक लाइन क्या कर लिया, बचा लिया।
तो ये होता है मैक्स फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक इसके उल्टे होता है मीन फंक्शन, बिल्कुल सारा फंक्शन का काम सेम है, बस ये रिटर्न करेगा आपको आपके लिस्ट की सबसे छोटी वैल्यू। मैं लिखता हूं ए इक्वल टू दिस लिस्ट, ओके, बी इक्वल टू मीन ए, तो मीन मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 10 है, तो मीन ए जो रिटर्न करेगा वो 10 रिटर्न करेगा, और ये 10 जो है वो कहां स्टोर हो जाएगा, बी में, तो बी में क्या स्टोर हो गया 10, और जब आप यहां से यहां तक प्रिंट करेंगे तो ये हो गया मैसेज, और बी की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या प्रिंट होने आने वाली है, 10 होके हम प्रिंट होगी, तो यहां वैल्यू आ गई आपको, यानी जो आउटपुट आएगा वो आएगा मीन वैल्यू इन लिस्ट इक्वल टू व्हाट, 10। इसी को आप दूसरे तरीके से कीजिए, आप बी में स्टोर नहीं करके डायरेक्टली क्या कर दीजिए यहाँ पे मैसेज के साथ इसको क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, तो मीन ऑफ ए जो है डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा लेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन और मीन फंक्शन। इसमें एक केस होते हैं, दो केस है इसमें। पहला केस है कि व्हाट इफ वी हैव अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। मान लीजिए हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू भी दे दिया और इंटीजर वैल्यू भी दे दिया। मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ ए इक्वल टू व्हाट 10 कॉमा राम, ठीक है, ऐसे मैंने कोई एक लिस्ट बनाया है। अब मैं जब मैक्स या मीन फंक्शन का यूज करूंगा तो ये एक एरर देगा। क्यों एरर इसलिए देगा क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर नहीं किया सकता, मतलब जो कंपैरिजन होगी जब मैक्स निकलेगा या मीन निकलेगा तो उसके लिए आपको सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज होने चाहिए लिस्ट में प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए कहते हैं क्या कि दूसरा केस ये कि अगर आप क्या स्ट्रिंग पे भी मैक्स और मीन निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। केस टू ये कहता है कि जब आप मैक्स और मीन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पे कंपैरिजन करेंगे तो ए टू जेड के कंसेप्ट में ये क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा। जैसे मैं करता हूं कि ए इक्वल टू राम और श्याम, तो अगर मैं करता हूं प्रिंट मैक्स ऑफ ए, तो देखिए राम और श्याम में मतलब बड़ा कौन है, तो देखिए आर के बाद आता है एस, ठीक है, मतलब R से बड़ा है S। अगर कोई Z कोई नाम होता जैसे मान लीजिए जारा होता, तो जारा जो है वो प्रिंट होता Max इस केस में, अगर मैंने A में एक और वैल्यू डाला होता, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो बड़ा है, जैसे A छोटा है, A से बड़ा B है, B से बड़ा C है, C से बड़ा D है, इस ऑर्डर में ये हमें क्या करेगा Max या Min क्या करेगा रिटर्न करेगा। तो हम कंपैरिजन स्ट्रिंग वैल्यूज पे भी कर सकते हैं, मैक्स मीन पे भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, जो स्ट्रिंग पे भी काम करेगा इंटीजर पे भी काम करेगा, लेकिन याद रखिए आपके लिस्ट में सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, एक जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, वरना ये एरर रिटर्न करेगा, आपको एरर बताएगा। तो ये तीन फंक्शंस आज की वीडियो के लिए, अभी बहुत सारे और भी फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।